नमस्कार दोस्तों, आगे हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फोटोशॉप के अंदर डिफरेंट पेज पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने दो पेज के ऊपर पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाया है। ये हमारा पेज है 4x6 का पेज, इस पर हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाया है। और ये हमारा एक A4 साइज़ का पेपर है जिस पर हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाया है। तो दोनों ही पेज के ऊपर मैं आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना सिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग इसका जो नॉर्मल फ़ोटो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और ये हमारा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आप लोग देख सकते हो। तो दोनों फ़ोटो के अंदर आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर ये जो फ़ोटो है ये एक नॉर्मल फ़ोटो है, और इसमें इसका बैकग्राउंड और यहाँ पर जो इसका चेहरा है वो भी थोड़ा सा डार्क है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस फ़ोटो के अंदर एडिटिंग किया है, और इस फ़ोटो को हमने थोड़ा सा इन्हेंस किया है इसकी क्वालिटी में, और उसके बाद में हमने यहाँ पर इसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर डिजाइन किया है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ जूम करके, इस फ़ोटो की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि कितना अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भी बहुत आसान तरीके से अपने फ़ोटोशॉप के अंदर इस तरह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हो डिफरेंट पेज के ऊपर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीख लेते हैं कि इस तरह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाएंगे, और आप लोग अपने फ़ोटोशॉप के अंदर इस तरह से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास में ये एक फ़ोटो है, आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास में ये एक फ़ोटो है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्रॉप करने के लिए क्या करना होगा, टूल बार में आ जाना है, और टूल बार में आपको यहाँ पर क्रॉप बटन को सेलेक्ट कर लेना है। क्रॉप बटन को सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको साइज़ देना है, इसका विड्थ और इसका हाइट देना है। तो यहाँ पर हम जो इसका चौड़ाई है वो हम 1.2 दे देंगे, और जो इसकी हाइट है वो हम यहाँ पर 1.3 दे देंगे, या फिर आप 1.5 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम 1.5 रख लेते हैं, और इसका जो रेजुलेशन है वो आप यहाँ पर 1000 रख लीजिए, या फिर आप 300 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेंटीमीटर में भी है, इंचज में भी है, तो वो आपके ऊपर है कैसा रखना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको क्रॉप कर लेना है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम इसको क्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से इसको क्रॉप कर लिया है, और यहाँ पर क्रॉप करने के बाद में अब आप थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए इसको, और छोटा करने के बाद में यहाँ पर ये आपका क्रॉप हो चुका है। अब उसके बाद में आपको ऊपर राइट पे क्लिक कर देना है। ऊपर राइट पे क्लिक करने के बाद में अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो है वो हमारा यहाँ पर क्रॉप हो चुका है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद में अब यहाँ पर आपको जो ये पीछे का बैकग्राउंड आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर चेंज करना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसका जो यहाँ पर डार्क दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा इन्हेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, विंडो में चलेंगे और यहाँ पर लेयर पैनल को एक्टिवेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये लेयर पैनल है वो यहाँ पर हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मूव टूल को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाएंगे लेयर पैनल को। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद में अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको सबसे पहले यहाँ पर लॉक है ये बैकग्राउंड, तो इसको हम अनलॉक कर लेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड अनलॉक हो गया है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, टूल बार में आ जाना है, और यहाँ पर आपको पेन टूल ले लेना है। पेन टूल लेने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करते हुए जाना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको जो ये ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, पाथ पे हम क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में आपको बस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करते जाना है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर करते जा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको चारों ओर से इसको सेलेक्ट करते जाना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक हमने इसको क्रॉप कर लिया है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जूम आउट करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये अंडरलाइन सी बन गई है, तो यहाँ पर हमने इतना सेलेक्ट कर लिया है। नीचे आपको सेलेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, ऊपर से इस प्रकार से
यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर इस पॉइंट पे मिला दीजिए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद में आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैक्स सिलेक्शन इस पर आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर फीदर आप लोग 1% या 2% दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने 1% दे दिया है, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड का इसने सिलेक्शन बना लिया है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट टूल पर आ जाना नीचे, और यहाँ पर सॉलिड कलर इस पर आप क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद में जो भी कलर आप बैकग्राउंड देना चाहते हो उस कलर का आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड रख सकते हो, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड रख लिया है। अब उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। अब उसके बाद में बात आती है, इन दोनों को लिंक कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर मैं इसको लिंक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ। और जो ये फोटो है हमारी, इस फोटो को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद में एडजस्टमेंट टूल पर क्लिक करेंगे, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपको इसका ब्राइटनेस बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद में अब यहाँ पर इसका कंट्रास्ट भी आप लोग कुछ इस प्रकार से बढ़ा दीजिए, और ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, वापस से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सेलेक्टिव कलर इस पर आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर आप लोग पर्टिकुलर कलर को आप लोग यहाँ पर कम कर सकते हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चेहरे के ऊपर थोड़ा सा रेडनेस ज़्यादा है, तो इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो रेड को हमने चूज कर लिया है, काफ़ी सारे कलर आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हमने रेड को चूज कर लिया है। और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैक, इसको आप थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं। जैसे ही हमने इसको कम किया तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा जो चेहरा है वो थोड़ा सा गोरा हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो ये ब्लैक कलर है, यहाँ पर थोड़ा सा बाल वगैरह दिख रहे हैं आपको, इनका भी कलर आप लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर को चूज करेंगे, और यहाँ पर हम ब्लैक कलर को थोड़ा सा, नीचे ऑप्शन आ रहा है ब्लैक, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लेंगे, ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लिया है। तो यहाँ पर 5th या 6th के आसपास हम यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक नेचर कलर भी है, नेचुरल कलर, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको कम करके हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये हो रहा है। अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे नहीं, हम यहाँ पर 0 ही रखेंगे, और उसके बाद में हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में हमारा फ़ोटो कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट, यहाँ पर वापस से फ़ोटो को चूज करेंगे और एडजस्टमेंट टूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोग लेवल्स और कर्व्स पर क्लिक करके यहाँ पर इसको और इन्हेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लेवल्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लेवल्स पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा आप लोग और इन्हेंस इसको कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बताया है कि आपका फ़ोटो कैसा भी हो उसको आप इस तरह से ठीक कर सकते हो। उसके बाद में हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इतना यहाँ पर इन्हेंस कर, हमारा फ़ोटो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सभी लेयर को हम लिंक कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर कंट्रोल ई बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे वो सभी की सभी जो लेयर थी वो सभी एक ही फ़ोटो के अंदर मर्ज हो जाएंगी। अब उसके बाद में बात आती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल पर चलेंगे, ओपन, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम एक पेज ले लेंगे, 4:6 का पेज ले लेते हैं एक। और उसके बाद में यहाँ पर जो इसका रेजोल्यूशन है वो 300 है, मोड में RGB कलर रखेंगे, और कंटेंट्स में वाइट रखेंगे, और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पेज आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, तो इमेज पे चलेंगे, इमेज पे चलने के बाद में रोटेट कैनवास पे हम क्लिक करेंगे और 90° CW पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो 4:6 का पेज बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इस फोटो को लेकर आना है। तो मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस फोटो को पकड़ के मूव टूल से और यहाँ पर छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में अब यहाँ पर इसका स्ट्रोक लगाना है। तो यहाँ पर आप एडिट पर जाइए और यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक कीजिए, और 1 पिक्सल या 2 पिक्सल का आप लोग यहाँ पर विड्थ दे सकते हो, और कलर में हम यहाँ पर ब्लैक ही रखेंगे, और यहाँ पर हम 5 पिक्सल दे देंगे यहाँ पर स्ट्रोक, और ओके पे हम क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में देख सकते हो यहाँ पर हमने स्ट्रोक लगा लिया है। अब उसके बाद में कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे, और छोटा करने के बाद में इसको यहाँ पर हम लगा देंगे, और लगाने के बाद में ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। अब इसका डुप्लीकेट करना है, तो कंट्रोल अल्ट की मदद से आप लोग इसका डुप्लीकेट कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से हमने इसका डुप्लीकेट कर लिया है। उसके बाद में वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, और वापस से डुप्लीकेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और डुप्लीकेट करने के बाद में अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं, जूम इन करके देख लेते हैं, ताकि कोई नीचे बराबर सभी इमेज हमारी बराबर है। अब उसके बाद में सभी लेयर को हमें लिंक करना है, लेयर पैनल में आके बैकग्राउंड को छोड़ के, और कंट्रोल ई बटन को प्रेस करना है, तो सभी लेयर लिंक हो जाएंगे। कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर
इसको बड़ा कर लेंगे, सिर्फ अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर पूरे पेज के ऊपर हमारा ये फ़ोटो आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा फ़ोटो लग चुका है। अब उसके बाद में ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। अब इसका हमें एक डुप्लीकेट बनाना है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल अल्ट बटन दबाए रखेंगे और यहाँ पर इसको नीचे लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम सभी लेयर को लिंक कर लेते हैं। लेयर पैनल में जाके कंट्रोल ई बटन को प्रेस करेंगे, सभी लेयर लिंक हो गई है। अब उसके बाद में इसको बीचों बीच कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमने ये जो 4:6 का पेज होता है उस पर हमने ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना लिया है। तो अब आप लोग यहाँ पर इसका आसानी के साथ में प्रिंटआउट निकाल सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर हम A4 साइज़ के पेपर पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ये फ़ोटो है, इसको हम थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ कर देंगे और यहाँ पर हम फाइल पर चलेंगे और यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 4:6 का पेज लिया था अभी हमने। तो अब यहाँ पर हम लेंगे A4 साइज़ का पेपर और वही यहाँ पर मोड में RGB कलर रहेगा, रेजोल्यूशन में 300 रहेगा और कंटेंट्स में वाइट रहेगा। और उसके बाद में आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो A4 साइज का पेपर होता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना जो ये फ़ोटो है उसको आप लोग मूव टूल की मदद से पकड़ के और यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब वही आपको यहाँ पर एडिट में जाना है और यहाँ पर आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना है, 5 पिक्सल का स्ट्रोक दे देना है और कलर आप ब्लैक रखोगे और लोकेशन में सेंटर चूज कर लोगे और सिंपली ओके पे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसके ऊपर यहाँ पर जो ब्लैक कलर का स्ट्रोक है वो यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि बॉर्डर लग जाएगा। अब उसके बाद में आप यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको मूव टूल की मदद से भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करेंगे, कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। बाद में हम इसको बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल अल्ट की मदद से इसको डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर और डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगाना है। हमें यहाँ पर 6 फ़ोटो यहाँ पर लगानी है, 6 फ़ोटो हमें यहाँ पर लगानी है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर हमने ये 6 फ़ोटो हमने यहाँ पर लगा ली है। उसके बाद में जूम इन करेंगे और जूम इन करने के बाद में आपको देख लेना है ऊपर नीचे फ़ोटो ना हो हमारी, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर ऊपर नीचे है तो फ़ोटो आप लोग यहाँ पर इसको एरो की मदद से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो या फिर इसको यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कोई सी भी लेयर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हमने सभी के अंदर गैप भी यहाँ पर बराबर रख लिया है। आप लोग देख लीजिएगा, गैप भी यहाँ पर बराबर होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने इसका गैप वगैरह भी हमने बराबर कर लिया है। अब उसके बाद में इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और जूम आउट करने के बाद में यहाँ पर हमारा फ़ोटो बन चुका है कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा और इसको कम कर देंगे और यहाँ पर हमारा ये फ़ोटो बन चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सभी फ़ोटो को लिंक करना है, लेयर पैनल में आ जाना है और यहाँ पर सभी फ़ोटो को इस तरह से लिंक कर लेना है सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ के। उसके बाद में कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर, या फिर कंट्रोल टी को प्रेस ना करते हुए हम यहाँ पर कंट्रोल ई बटन को प्रेस करेंगे तो ये सभी लेयर लिंक हो जाएंगे। कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो पेज के हिसाब से है वो यहाँ पर बीचों बीच आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो आ चुका है। अब उसके बाद में जूम इन करेंगे और जूम इन करने के बाद में कंट्रोल अल्ट की मदद से हम इसका डुप्लीकेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पर ये फ़ोटो हमारा लग चुका है। अब उसके बाद में वापस से हम इसका डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करते हुए हम यहाँ पर लगाते जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको सभी के अंदर बराबर गैप रखना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सभी के अंदर बराबर यहाँ पर हमने गैप रखा है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से इसको कर लिया है, देख सकते हो यहाँ पर इसका डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर हमने ये लेयर लगा ली है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा फ़ोटो हो गया है। तो यहाँ पर ये नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ऊपर कर देंगे कुछ इस प्रकार से, और थोड़ा सा और ऊपर करेंगे इसको, एक एक लेयर को हम थोड़ा सा ऊपर करते जाएंगे ताकि हमारा ये फ़ोटो यहाँ पर आ सके। और अगर नहीं आ रहा है फ़ोटो हमारा, यहाँ पर ये आ चुका है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी लेयर को हम लिंक कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और कंट्रोल ई बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सभी लेयर लिंक हो जाएंगे। कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर
कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनकर तैयार हो चुका है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप लोग इसका यहाँ पर जूम करके भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो A4 साइज़ के पेपर पर यहाँ पर डिजाइन कर लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है कि हमने दो पेज पर हमने यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना लिया है। यहाँ पर ये 4:6 का पेज है, इस पर हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाया है, और यहाँ पर A4 साइज़ का पेपर है, इस पर हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाया है। और इस प्रकार से हमने इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया है, और यहाँ पर इस फ़ोटो को हमने इन्हेंस भी किया है। सो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, आप लोग बहुत आसान तरीके से किसी भी फ़ोटो को आप लोग यहाँ पर इन्हेंस करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हो किसी भी पेज के ऊपर। सो आई होप आज की इस वीडियो में आप लोग सीख गए होंगे कि फ़ोटोशॉप अंदर डिफरेंट पेज पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, उसको इनहेंस कैसे करते हैं, उसमें एडिटिंग कैसे करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे व्हाइट कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।